नमस्कार, कमोडिटी लाइव कॉलर शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्वाति रायना। आपने कोई कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर करना चाहते हैं तो उठाइए फोन, पूछिए अपना सवाल, नंबर नोट कर लीजिए 0222300 1634, या फिर आप हमें 0222300 1635 पर कर सकते हैं कॉल और पूछिए सवाल। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट है, उनका परिचय करा देते हैं। IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता और पैराडाइम कमोडिटी के बीरेन वकील। अनुज जी और बीरेन जी, दोनों का बहुत स्वागत करते हैं हम आज के इस शो में। और सबसे पहले जरा नजर डाल लेते हैं कि क्या चल रहा है कमोडिटी बाजार में। इनफैक्ट हफ्ते का पहला ही कारोबारी दिन बहुत ही सुस्त नजर आ रहा है कमोडिटी बाजार में। सोना, चांदी, कच्चा तेल, यहाँ पर कीमतों में काफी ज्यादा सुस्ती बनी हुई है। बाजार में कोई नया ट्रिगर ही नहीं दिख रहा है। तो चलिए बुलियन मार्केट से शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि सोने चांदी में इस वक्त कैसी हलचल है। इनफैक्ट सोने में तो बेहद ही सीमित दायरे में ट्रेडिंग होते हुए हमें दिख रही है। MCX पर जो भाव है 61,000 के आसपास ही ट्रेड हो रहे हैं। महज 100 रुपए की तेजी यहां पर हम देख पा रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में भाव $2,020 के ऊपर ट्रेड होते हुए हमें दिख रहे हैं। सबसे पहले सोने पर एक चेक ले लेते हैं। अनुज जी, आपसे समझना चाहेंगे मार्केट में जो इस वक्त डलनेस है उसके पीछे की वजह आपको क्या लग रही है और ये बुलियन मार्केट किस ट्रिगर की तलाश में लग रहा है? स्वाति जी, गुड इवनिंग। देखिए, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो लास्ट वीक हमने एक छोटा सा करेक्शन गोल्ड सिल्वर में आते हुए देखा था और आज की अगर बात करें तो यहाँ पे मार्केट एक रेंज बाउंड मोमेंटम में ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स जैसे 102 के ऊपर अब आता हुआ दिखाई दिया है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग हमने गोल्ड सिल्वर में आते हुए देखे। हालांकि एक रेंज बाउंड मोमेंटम काफी हमने देखा है। अगर हम गोल्ड को देखें तो $2,000 काफी स्ट्रांग एक सपोर्ट के तौर पर है। अभी हम देखें तो 2013 के आसपास चल रहा है। वहीं अगर हम MCX की बात करें तो 60,500 एक काफी अच्छा सपोर्ट गोल्ड के लिए बन गया है, जहां पर हम देख रहे हैं मार्केट काफी सस्टेन कर रहा है। तो अभी कोई फ्रेश ट्रिगर नहीं दिख रहे हैं, कोई ऐसा कोई इंपॉर्टेंट कोई ट्रिगर नहीं दिख रहा है जिससे मार्केट को मोमेंटम दिखे। हमें लगता है कि अभी गोल्ड का जो प्राइस है वो एक रेंज बाउंड रहेगा और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नीचे में $1,990 और ऊपर में करीबन $2,030 ये रेंज जो है गोल्ड में मेंटेन रहेगी। इंटरनेशनली डोमेस्टिकली 60,500 नीचे में और ऊपर में करीबन 61,300 ये रेंज हमें लगता है कि गोल्ड में मेंटेन रहेगी। तो इस रेंज में गोल्ड ट्रेड हो सकता है। और अगर हम स्ट्रेटेजी वाइज बात करें तो मुझे लगता है कि थोड़ा सेलन राइज का मार्केट देखा जा सकता है। तो ऊपर अगर प्राइस करीबन 61,200 के आसपास मिलते हैं तो बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। 61,450 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट नीचे करीबन 60,800 तक देखने को मिल सकता है। तो काफी रेंज बाउंड मोमेंटम है यहाँ पर, मुझे लगता है कि एक रेंज में एक दायरे में कारोबार देखा जा सकता है। ओके, तो ये रही सोने पर अनुज जी की राय। बीरेन जी, आपको गोल्ड में क्या फंडामेंटल्स आगे आने वाले दिनों में क्या एक्शन आपको नजर आ रहे हैं? फिलहाल तो मार्केट स्टेबल है, सीमित दायरे का कारोबार है। कल के चाइना के जो डेटा आएंगे रिटेल सेल्स के, अमेरिका में भी कुछ अहम डेटा है कल, तो ये देखने के बाद शायद कोई मूव आ सकता है। बट लास्ट वीक का जो इन्फ्लेशन नंबर था, कंज्यूमर इन्फ्लेशन नंबर चाइना से, वो काफ़ी कमजोर था, मीन्स नियरली डिफ्लेशन का था। आज इंडिया का होलसेल इन्फ्लेशन नंबर जो आया है अप्रैल का, वो भी -0.92 है, वो भी काफ़ी खराब नंबर है। डिमांड डिस्ट्रक्शन कहे या इकोनॉमिक स्लैक कहे, तो मेरा हल्का सा रुझान पोजिशनली सेल साइड का है। गोल्ड में 61,200 के आसपास शॉर्ट जा सकते हैं, स्टॉप लॉस थोड़ा वाइडर रहेगा 61,700 का, टारगेट भी वाइडर है 60,000-60,200 का, टाइम फ्रेम 4 से 5 दिन की या एक आध वीक की रख सकते हैं। बिल्कुल, तो ये रही गोल्ड पर आए हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से। सिल्वर में भी हम देख रहे हैं छोटे दायरे में कारोबार हो रहा है। MCX पर भाव जो है 73,300 के करीब ट्रेड हो रहे हैं। ये फिलहाल सिल्वर में इस वक्त का हाल है। अनुज जी, चांदी पर आपकी क्या राय रहेगी, इस वक्त क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह है? देखिए, चांदी इंटरनेशनली अब $24 के नीचे ट्रेड कर रही है। वहीं अगर हम देखें तो 75,000 के नीचे MCX में आता हुआ दिखाई दिया है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा एक नेगेटिव ट्रेंड बना है वेरी शॉर्ट टर्म के लिए। हालांकि लॉन्ग टर्म अभी भी पॉजिटिव इंटैक्ट है, पर फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा दबाव में दिख रहा है, क्योंकि पहले $25 एक रेजिस्टेंस था,
उसके नीचे मार्केट आया, अब 24,000 के नीचे है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी हम सेलोन राइस का मार्केट देख सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी लास्ट वीक भी हमने प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट में बिकवाली देखी जा सकती है, तो वैसे ही ट्रेंड नीचे आता हुआ दिखाई दिया। हमें लगता है कि चांदी में ऊपर अगर 76,700-76,800 तक के लेवल्स मिलते हैं तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। 74,600 का स्टॉप लॉस लगा है, टारगेट नीचे 72,500 तक देखने को मिल सकता है। वहीं इंटरनेशनली हमें लग रहा है कि करीबन 23.80 तक के लेवल आपको सिल्वर में इंटरनेशनली देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि मार्केट हालांकि काफी सीमित दायरे में है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें। अगर प्राइस थोड़ा सा बाउंस लेते हैं तो बिकवाली का ट्रेड देखा जा सकता है। जी बिरेन जी, चांदी में आप कैसा ट्रेंड देख रहे हैं और अभी करना क्या चाहिए? मेटल में जो जिस हिसाब के सेल ऑफ आया है और चाइना का जो डेटा सॉफ्ट है, तो ये देखते हुए करंट लेवल पे सिल्वर शॉर्ट किया जा सकता है। 74,500 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये थोड़ा वाइड स्टॉप लॉस है। सामने टारगेट हम इनिशियली 71,500 का रख सकते हैं, गोइंग फॉरवर्ड में भी 72,000 मीन्स 70,200-70,400 का टारगेट रख सकते हैं। यहाँ भी टाइम की जो अवधि होगी वो एक आध वीक की यानी 7-8 दिन की रहेगी। ओके, तो ये आने वाले कुछ दिनों के लिए सिल्वर पर स्ट्रैटेजी आ रही है अनुज जी और बीरेन जी की तरफ से। कच्चे तेल को जरा देखते हैं, बुलियन से अब हटकर क्या यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक्शन? इनफैक्ट यहाँ पर भी कच्चे तेल की जो शुरुआती गिरावट है वो कुछ गायब हुई है। ग्लोबल मार्केट में जो भाव है वो $74 के ऊपर है और जो घरेलू बाजार है कीमतों में इनफैक्ट हम मामूली तेजी हम देख पा रहे हैं। घरेलू बाजार में जो दाम है 5,800 के करीब है। कच्चा तेल जो है लगातार चौथे हफ्ते इसमें गिरावट आई थी। इनफैक्ट यूएस चीन है यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर मांग घटने की आशंका से कीमतों पर एक डाउनवर्ड प्रेशर बना रहा है। तो कच्चे तेल में जो हम फिलहाल एक मामूली तेजी देख पा रहे हैं अनुज जी, ऐसे में ये ट्रेंड आपको बरकरार नजर आ रहा है? देखिए एक्सपेक्टेड है कि एक बाउंस बैक यहाँ पर आ सकता है, प्राइस ओवरसोल्ड जोन में है। हमें लगता है कि यहाँ पे एक रिकवरी आ सकती है, तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी वाइज ट्रेड बना सकते हैं। अगर किसी को बाइंग साइड का ट्रेड लेना है तो करीबन 5,750 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं, 5,580 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट ऊपर में 5,950 तक देखने को मिल सकता है। वहीं अगर प्राइस 5,900 के ऊपर मिलते हैं तो वहां पर अगेन बिकवाली का ट्रेड भी बना सकते हैं। हमें लगता है कि नीचे अगेन प्राइस आपको 5,750 तक देखे जा सकते हैं। तो एक रेंज में कारोबार होता हुआ लग रहा है कि क्रूड में देखने को मिल सकता है। लोअर लेवल्स पर डेफिनेटली एक बाइंग एक्यूमुलेट होता हुआ दिखाई देगा, तो मुझे लगता है कि 5,750 के लेवल्स अगर पहले आते हैं तो वहां पर खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ओके बीरेन जी, आप क्रूड में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स देख रहे हैं आने वाले टाइम में? फिलहाल तो काफी सुस्ती है इसमें, ओपेक का प्रोडक्शन कट और दूसरी ओर डेवलप्ड वर्ल्ड में डिमांड रिसेशन, तो ये देखते हुए ये काफी सीमित दायरे में लग रहा है। नाइमिक्स क्रूड में भी 70-75 और डोमेस्टिक में 5,600-6,000 के बीच मार्केट बहुत ही सीमित दायरे में लग रहा है। ओके, तो ये कच्चे तेल में हल्की सी जो हम हल्का सा जो बाउंस बैक देख पा रहे हैं फिलहाल, कीमतों में मामूली तेजी, ब्रेंट क्रूड $74 के आसपास इनफैक्ट ऊपर, और घरेलू दाम जो है घरेलू बाजार में भी दाम जो है वो 5,800 के करीब हम देख पा रहे हैं। चलिए अब नेचुरल गैस में देखते हैं जरा यहाँ पर क्या एक्शन है। यहाँ पर भी कुछ हल्की तेजी हमें देखी है नेचुरल गैस में, जो MCX पर भाव है 192 के करीब हमें ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। तो नेचुरल गैस में भी अनुज जी कुछ हल्की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है नेचुरल गैस में फिलहाल, क्या ट्रेंड और क्या लेवल आपकी नजर में? देखिए नेचुरल गैस में हमने लास्ट टाइम भी ये कहा था कि बायो एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए,
यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो लेवल है वो 200 रुपये का है, एक रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक होता है तो हम आगे और तेजी आती हुई देखेंगे। हालांकि अच्छी रिकवरी हमने यहाँ पर आती हुई देखी, 160 से करीबन 190 तक के भाव रिकवर हुए हैं, तो ट्रेंड यहाँ पर स्लो एंड स्टडी पॉजिटिव कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि नेचुरल गैस में जल्दी ही आपको 200 तक के लेवल आते हुए दिखाई देंगे, और 200 के ऊपर अगर प्राइस चलता है, सस्टेन करता है, तो फिर 210 से लेकर 215 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बायो डिप्स की स्ट्रेटेजी देना चाहूंगा, करीबन 185 के आसपास लेवल्स मिले तो खरीदारी का ट्रेड लें, 177 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट ऊपर में 200 रुपये तक देखने को मिल सकता है। तो नेचुरल गैस एक बाइंग साइड के लिए ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए अब एक कॉलर से बात करते हैं और जानते हैं उनका सवाल क्या है। चेतन मुंबई से इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। जी मैडम, मुझे गोल्ड पे राय चाहिए थी, गोल्ड पे। ओके, कब तक के लिए राय लेना चाह रहे गोल्ड पर? ओके, चलिए गोल्ड गोल्ड पर जरा अनुज जी आपसे समझना चाहेंगे। अभी गोल्ड पर चर्चा तो हुई थी हमारी, पर फिलहाल नियर टर्म में क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं गोल्ड के? देखिए, ऊपर में अगर ये 61,200 के आसपास मिलता है तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए, 61,450 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट नीचे 60,700 तक आ सकता है, और अगर प्राइस 60,700 तक आते हैं तो वहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गोल्ड एक रेंज में अटका हुआ है, तो एक रेंज के अंदर ही आपको ट्रेड करना पड़ेगा। सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदारी का ट्रेड लें, रेजिस्टेंस पे बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। कोई फ्रेश ट्रिगर नहीं है जहां पर आप एक ट्रेडिंग का ट्रेड ले सकते हैं, यहां पर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये रही गोल्ड पर आए आपके लिए। मेटल्स पर, इनफैक्ट जो मेटल स्पेस है, यहां पर हमने देखा है कि जो शुरुआती गिरावट थी उसके बाद एक खरीदारी लौटती हुई हमने एक स्पेल देखा है मेटल्स में, खासतौर पर ग्लोबल मार्केट में जो कॉपर है। कॉपर से शुरुआत करें, यहां पर कुछ तेजी नजर आ रही है। जिंक में भी हरियाली हम देख पा रहे हैं, लेड, हर जो काउंटर है बेस मेटल्स में, यहां पर हरे निशान में ही हमें कारोबार दिख रहा है। इनफैक्ट कॉपर तो 5 महीने, जिंक 31 महीने के इनफैक्ट निचले स्तर पर हमें दिखे हैं। लेकिन अनुज जी, आपको मेटल स्पेस में अभी कौन सा मजबूत काउंटर नजर आ रहा है? क्योंकि चीन से जो डिमांड है वो एक काफी ज्यादा जरूरी ट्रिगर है। देखिए, हमने पहले भी कहा था कि एल्युमिनियम एक ऐसा काउंटर है जो कि एक पॉजिटिव साइड में रहेगा, और हमने देखा है कि उसके बाद से करीबन 4 से 5 रुपए की तेजी एल्युमिनियम में आती हुई दिखाई दी है, तो अभी भी मैं थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हूँ एल्युमिनियम के काउंटर को लेके। यहाँ पर मेरा बाय कॉल ही रहेगा, करीबन 206 207 के लेवल्स मिले तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं, 204 पे स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट मेरे को लगता है कि ऊपर में 211 212 तक देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ कॉपर भी मुझे लगता है कि काफी ओवरसोल्ड जोन में आ गया है, और ये जो लेवल्स हैं 725 727 के आसपास के लेवल, ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहां पर हम खरीदारी देख सकते हैं, और हमने मॉर्निंग से खरीदारी भी आती हुई देखी, तो अगेन अगर डिप मिलता है 727 तक या 725 तक तो खरीदारी का ट्रेड लें, 719 पे स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट हमें लग रहा है कि ऊपर में 735 740 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो कॉपर और एल्युमिनियम दो काउंटर रहेंगे जहां पर मुझे लगता है कि एक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं, एक रिकवरी दोनों ही काउंटर में देखने को मिल सकती है। ओके, तो कॉपर और एल्युमिनियम, ये दो ऐसे काउंटर्स हैं जिस पर एक खास स्ट्रैटेजी रखने की सलाह अनुज जी की तरफ से आ रही है। सनी कर्नाटक से इस वक्त हमारे साथ है, जानते हैं उनका सवाल। नमस्ते, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैडम, मुझे आज क्रूड पे राय चाहिए थी आज के लिए। ओके, आज के लिए क्रूड पर बिरेन जी क्या स्ट्रैटेजी रखें ये? इंट्राडे ट्रेड अगर करना है तो करंट लेवल पे 529 पे बाई किया जा सकता है, 5710 20 का मीन 5710 20 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और अपसाइड में 5980 से 6020 का टारगेट रख सकते हैं, और रात को ये कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, मीन्स इंट्राडे ही स्ट्रेटेजी है ये। ओके, तो इंट्राडे स्ट्रेटजी क्रूड पर आपके लिए। अमृता से बात करते हैं, कर कॉलर हमारे साथ। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। ओके, बात नहीं हो पा रही, लेकिन सवाल उनका सिल्वर पे था। अब किस व्यू से पूछ रही थी हमें मालूम नहीं, लेकिन फिर भी अनुज जी एक बार थोड़ा सा अगर हम फिर से दर्शकों के लिए समझे, सिल्वर पर फिलहाल क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है और क्या करें अभी?
देखिए हालांकि एक रेंज बाउंड मोमेंटम है, तो यहाँ पर मैं अभी फिलहाल एक रेंज में ही ट्रेड देना चाहूंगा। ऊपर अगर प्राइस 73,700 73,800 तक मिलते, जो कि हमने लास्ट वीक भी देखा था 73,700 तक मार्केट गया था, तो उसी रेंज के आसपास अगर मिलता है तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड लें। 74,600 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट नीचे 72,500 तक आ सकते हैं, और अगर प्राइस 72,500 तक आते हैं तो वहाँ पर अगेन खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। तो ये भी मुझे लगता है कि एक रेंज बाउंड मोमेंटम का काउंटर रहेगा, जहाँ पर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच ट्रेड ले सकते हैं। कोई फ्रेश ट्रिगर ऐसा नहीं है जहाँ पर आपको एक ट्रेंडिंग ट्रेड देखने को मिले। मेरे हिसाब से 72,500 और ऊपर में करीबन 73,800 के बीच में मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा, तो इस रेंज में ट्रेड बना सकते हैं। ओके, तो ये रही सिल्वर पर आपके लिए राय। ओके, जोधपुर से बद्रीनाथ जी से भी बात कर लेते हैं पहले। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। जी मैडम, मेरा सवाल ग्वार शीट और जीरे पे था। ग्वार सीड और जीरा। बिल्कुल बीरेन जी, जीरा तो हमने देखा है कुछ टूटा है, 2.5% तक टूटा है। ग्वार सीड पर भी आपके आपसे राय लेना चाहेंगे, फिलहाल क्या लेवल्स इम्पोर्टेंट है? ग्वार सीड के लिए 5,500 से 5,800 फिलहाल इम्पोर्टेंट रहेंगे। 15 जून के बाद इसमें वेदर प्ले शुरू होगी, तब कोई इसमें नया मोमेंटम बनेगा। जीरे में नेचुरली करेक्शन है, क्योंकि 15,000 से 50,000 तक की जो सफर रही, इसका ये नेचुरल करेक्शन है। प्राइमरी ट्रेंड जीरा का अभी बुलिश है, और गवार को टेक्निकली जिसको साइडवेज या सीमित दायरे का बाजार कहेंगे वो है। बात करें हमारे दो खास एक्सपर्ट से, अनुज गुप्ता और बीरेन वकील हमारे साथ हैं, और एक और कॉलर से भी बात करते हैं। मुंबई से सौरभ हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम नमस्ते, हम जानना चाह रहे थे कि नेचुरल गैस के ऊपर क्या राय है पैनलिस्ट का। ओके, तो नेचुरल गैस में सर किस तरीके का एक्शन आप देखेंगे आने वाले कुछ टाइम में, अनुज जी क्या करें? देखिए बाय साइड का ही ट्रेड देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमने पिछले 2 दिनों में अच्छी रिकवरी यहाँ पर आती हुई देखी है। मेरे हिसाब से 185 के लेवल्स मिलते हैं, तो खरीदारी का ट्रेड ने 177 का स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट ऊपर में 200 रुपये तक देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में बायो डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज करके चल सकते हैं। गैस पे ये राय रही आपकी। पुणे से शीतल से बात करते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम मेरे दो सवाल थे, एक गोल्ड पे और एक सिल्वर पे। मुझे जानना था कि गोल्ड का प्राइस अगले 2-3 महीने में कहाँ तक जाएगा, और मेरा दूसरा सवाल था कि क्या इस साल चांदी 1 लाख तक जाएगी। ओके, बीरेन जी क्या लग रहा है आपको, गोल्ड अगले 2 से 3 महीनों में कैसी चाल दिखाएगा, और चांदी 1 लाख तक कब तक? सिल्वर पे लंबा फोरकास्ट देना मुश्किल है, क्योंकि पिछले 3 साल में हमने इसको करीबन 10 बार 60,000 के नीचे और 10 बार 70,000 के ऊपर भी देखा है, तो ये हाईली साइक्लिकल कमोडिटी है। गोल्ड में फिलहाल 2-3 महीने तक ऐसा लग रहा है कि इसमें टेंटेटिव टॉप बन गया है, तो इसकी गोल्ड की जो रेंज रहेगी अगले 2-3 महीने की, वो शायद 58,000 से 62,000 यानी 58-62 के बीच की रहेगी। ओके, तो ये रही गोल्ड और सिल्वर पर राय। जरा देख लेते हैं टर्मरिक काउंटर में इस वक्त क्या चल रहा है। एक अच्छी तेजी हमने देखी है हल्दी में, 3% उछल का वायदा भाव 8,250 के करीब बंद हुआ, और महीने भर में 20% से ज्यादा का उछाल यहां पर देखने को मिला है। अनुज जी, हल्दी में तो शानदार तेजी है, भाव और कहां पर जाते हुए आप देख रहे हैं? देखिए हमने एक अच्छी खासी रिकवरी देखी है, ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो इस महीने काफ़ी अच्छी ट्रेंड हमने इसमें आते हुए देखा है। करीबन 22.5% के रिटर्न हमने इस महीने में टर्मरिक में आते हुए देखे हैं। कहीं ना कहीं डिमांड का असर रहा है लोअर लेवल्स पे, और कहीं ना कहीं जो मॉनसून में हम देख रहे हैं कि बिलो एवरेज मॉनसून या एलिनो का फियर है, उससे काफ़ी हद तक प्राइस सपोर्ट लिए हैं। मुझे लगता है कि जल्दी ही आपको टर्मरिक का प्राइस 8,500 से लेकर 9,000 की रेंज में जाता हुआ दिखाई देगा। मोमेंटम पॉजिटिव बना है, और जिस तरीके रिकवरी आई है, हमें लगता है कि अभी प्राइस 8,500 से लेकर 9,000 के लेवल तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं खरीदारी की सलाह देना चाहूँगा, अगर डिप लेते हैं प्राइस 8,100 के आसपास तक, तो खरीदारी का ट्रेड लें, 7,800 का स्टॉप लॉस लगाएं। पहला टारगेट 8,500 का रहेगा, और उसके ऊपर प्राइस चलते हैं तो फिर 9,000 का टारगेट देखने को मिल सकता है।
ओके और डॉलर रुपी का कैसा आप आगे आने वाले टाइम में अनुज जी एक्शन देख पा रहे हैं अभी करंट मार्केट में देखें तो? देखिए जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स 102 के ऊपर चल रहा है तो मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे सस्टेन हो सकता है, हालांकि रुपी हमें लगता है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ लेता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जिस तरीके से हम FIIs का इनफ्लो देख रहे हैं और जिस तरीके से हम इक्विटी मार्केट में एक तेजी देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि रुपी यहाँ पर कंट्रोल होता हुआ दिखाई देगा और जिस तरीके से क्रूड के प्राइस भी नीचे आए हैं वो भी काफी हद तक सपोर्टिव रहेंगे, तो मुझे लगता है कि USD/INR की अगर बात करें तो नीचे 8170 8150 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो ओवरऑल मुझे लगता है कि रुपी के अंदर आपको आने वाले दिनों में स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी और 8150 तक के लेवल रुपी में देखने को मिल सकते हैं। ओके चलिए समय इतना ही है, शो को समेटने का वक्त हो गया है। अनुज जी और बीरेन जी आप दोनों का धन्यवाद करेंगे हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।